गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत सप्ताह कार्यक्रमों की श्रृंखला में विज्ञान संकाय तथा रक्षा अध्ययन विषय द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली के स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के निदेशक प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने कहा कि आज भारत गुट निरपेक्षता की बात नहीं कर रहा है, आज हम अन्य शक्तियों के साथ सक्रिय रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साझेदारी करने को तैयार हैं। भारत अब वैश्विक राजनीति में बैलेंसिंग रोल नहीं अपनाना चाहता, खुद को विश्व की एक उभरती महाशक्ति के तौर पर देख रहा है। हिंदुस्तान अब उन मंचों पर बैठना चाहता है जहां पर वैश्विक नीतियां बनाई व बदली जाती हैं। आज के भारत की विदेश और रक्षा नीति कहीं ज़्यादा डायनेमिक और प्रोएक्टिव है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि आज पाकिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम चीन है। पाकिस्तान आज हमारे सामने सिर्फ इसलिए तनकर खड़ा है क्योंकि उसके साथ चीन है। बड़े वैश्विक मंचों पर चीन लगातार भारत की राह में रोड़े अटकाता रहा है, लिहाजा भारत ने भी अब पाकिस्तान की समस्या को चीन के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। हम चीन के साथ डबल ट्रैक पर चल रहे हैं, जहां सहयोग संभव है वहां सहयोग कर रहे हैं, जहां विरोध ज़रूरी है वहां हम विरोध कर रहे हैं। डोकलाम में चीन के मुकाबले खड़े होकर भारत ने पूरी दुनिया को अपने इस आत्मविश्वास से परिचित करा दिया। चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले देश में भी भारत अग्रणी था। संदेश बहुत स्पष्ट है कि आज का भारत किसी के दबाव या धमकी के आगे झुकेगा नहीं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने में भारतीय कूटनीतिक खेमे को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। कुछ वर्ष पहले तक भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर अत्यधिक संयमित नीति अपनाता रहा है, लेकिन इसमें हमें लगातार नुकसान हुआ है। मोदी सरकार ने अनावश्यक संयम और सीमित विकल्पों के साथ प्रतिक्रिया देने की रणनीति बदल दी है। केवल विदेश नीति ही नहीं, सुरक्षा नीति के फ्रंट पर भी हम ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। देश के अंदर आइडियाज़ व इंस्टीट्यूशन को भी नया शेप दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत दुनिया के सभी 190 से ज़्यादा देशों से संपर्क व संबंध कायम करेगा। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने इस दिशा में काफ़ी कोशिशें भी की हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर VK सिंह ने कहा कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक है। हमारे समाज की शक्ति के केंद्र में हमारी सहिष्णुता रही है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का एक आधार ये भी है। अटल जी की कविता न हार में न जीत में को पढ़ते हुए हमें उसमें गांधीवाद के दर्शन की झलक मिलती है। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आयाम के अलावा आज टेक्नोलॉजी वो चौथा स्तंभ है जिस पर किसी देश की शक्ति संरचना टिकी हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत में विषय परिवर्तन करते हुए प्रतिकुलपति व अधिष्ठाता विज्ञान संकाय प्रोफेसर हरिश्रण ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि विदेश व रक्षा नीति में जल्दी बदलाव नहीं होते हैं। आज दुनिया आर्थिक धुरी पर घूम रही है, जिसकी आर्थिक शक्ति ज़्यादा होगी वही बड़ी सैन्य शक्ति और बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकेगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अनुश्रवण समिति के संयोजक प्रोफेसर राजवंत राव, मुख्य नियंता प्रोफेसर प्रदीप कुमार यादव, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर NP भोक्ता, प्रोफेसर अवधेश तिवारी, प्रोफेसर विजय कुमार, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर RN सिंह, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर AP शुक्ला, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन एवं स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने कहा, मेरे संभाल मैं पावन स्वर्ण।
सर ओके और हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए व्याख्यान देने के लिए उनके उसके मूल तत्वों को बताने के लिए हमारे तीन सरपंच चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ इंडियन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित है। आज के दिन कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री दैन नेशनल सिक्योरिटी। आज इस व्याख्यान से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विदेश नीति और सुरक्षा नीति की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वो हम सबको सुनने समझने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। और मैं थोड़ा हिंदी में भी बात हिंदी में ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा हालांकि मेरी हिंदी की अच्छी नहीं लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आप सबको होगी आदाब यहाँ पे घटता हुए के बारे में सुनने के लिए। ज़्यादातर डिस्कशंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी के खासकर पॉलिसी इशूज़ के काफ़ी दिल्ली सेंट्रिक होते हैं दिल्ली में ज़्यादा केंद्रित होते हैं। तो जब आप बाहर निकल कर लोगों के विचार सुनने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है उसमें नई ऊर्जा एक नई एनर्जी भारत के देश की जो मिलती है उसका जो एक परिकल्पना मुझे लगता है पिछले कुछ सालों से की जा रही है वही की जा रही है कि भारत की विदेश नीति भारत की सुरक्षा नीति को लोगों से कैसे जोड़ा जाए और उनके विचार इससे कैसे संबंधित किए जाए। सो थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी एंड I will talk about the changing contours of Indian foreign and security policy. मैं ये कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे points आपके सामने रखूँ जिसमें भारत की जो बदलती हुई विदेश नीति है भारत की जो बदलती हुई सुरक्षा नीति है उसकी foundations, उसकी जो underlying causes हैं उनको समझने की क्यों ज़रूरत है और क्या हो रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी मैं रख पाऊँ और एक खाका एक ड्राफ्ट आपके सामने खींच पाऊँ एक मैपिंग कर पाऊँ कि भारत की विदेश नीति भारत की सुरक्षा नीति न सिर्फ बदल रही है बल्कि वो जिन कारणों से बदल रही है वो समझने बड़े ज़रूरी है और खास करके लिए आप लोगों के लिए यहाँ के छात्रों के लिए भारत के युवा के लिए क्योंकि विदेश नीति जो अभी तक एक बहुत ही सेलेक्ट कोर ग्रुप लोगों का एक कंसेंसस हुआ करती थी अब डेमोक्रेटाइज हो रही है और फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी के बीच में जो लिंक है वो बहुत और गहन हो रहा है और गहरा हो रहा है। तो कहीं पर अब ये कहना है कि जो अमेरिका में हो रहा है उसका आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और उसका जो चीन कर रहा है उसका आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये अस्वाभाविक है ये गलत है और इसीलिए भारत की विदेश नीति और भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है पॉलिसी है उसके बीच में जो जिस तरह का समावेश बन रहा है उसका एक आकलन करने की मैं कोशिश करूँगा। 2014 से अगर आपने नोट किया हो तो ये बात बार बार कही जा रही है कि क्या भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है foreign policy changed? Has Indian foreign policy shifted? And this is a question that is being asked repeatedly, partly because Mr. Modi and Modi government has had a very dynamic foreign policy. अगर आप पिछले ही कुछ एक महीने या दो महीने की बात देखें तो न सिर्फ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा रही वो फ्रांस गए फिर उसके बाद अमेरिका गए उसके बाद यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति आए बल्कि जो पिछले 2014 से अगर आप इसका आकलन करें तो आपको एक इस बात का एहसास होगा कि कहीं पर जो एनर्जी और डायनामिज्म प्रधानमंत्री ने खुद अपनी लीडरशिप के द्वारा इंडियन भारतीय विदेश नीति को इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देने की कोशिश करी है वो उसका इम्पैक्ट आपको हर जगह दिखाई देगा। जब 2014 में सरकार बनी थी एक बात जो प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई थी कि जब हमारी सरकार 5 साल कंप्लीट करेगी तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे जो करीब 190 के करीब देश हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं 192 उन सबों के साथ हमारा संपर्क सीधा संवाद हो। तो जब आप 5 साल बाद 2019 में ये आंकलन करें अगर आप डेटा देखें तो
प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ये इंगेजमेंट को बनाने में कामयाब नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लेवल पर हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लेवल पर हो, विदेश मंत्री के लेवल पर हो, या फॉरेन सेक्रेटरी जो सचिव विदेश सचिव के लेवल पर हो। तो जो टॉप लेवल पॉलिसी मेकिंग है, कम्युनिटी है, उसने ये कोशिश करी कि इंगेजमेंट भारत की बढ़े और गहरी हो और दूसरे देशों के साथ। लेकिन सवाल काफी बार ये पूछा जाता है कि क्या कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट हो रहा है, यह सिर्फ नंबर्स की बात है, यह सिर्फ स्टाइल की बात है, क्या क्या है कोई मोदी जी डायनामिक है, मोदी जी फ्लैम्बॉयंट है, तो जब वो विदेश यात्रा करते हैं या कोई किसी राष्ट्राध्यक्ष को आप हिंदुस्तान बुलाते हैं तो वो काफ़ी उसका डिस्कशन होता है, उसमें काफ़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या कोई फंडामेंटल ऑल्टरिंग भारतीय विदेश नीति में हो रही है, क्या कहीं पर भारत की विदेश नीति एक नए पर्सपेक्टिव में देखी जा सकती है? और ये जो एक डिबेट एंड डिस्कशन है ये स्कॉलरशिप में भी आता है, जो लोग इसको स्टडी करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, तो आप अगर कोई जर्नल उठाएं एकेडमिक जर्नल, उसमें भी एक बड़ा विवाद और बड़ा एक डिस्कशन चलता है कि क्या भारत की विदेश नीति 2014 से बदल रही है, या ये खाली सिर्फ स्टाइल की बात है, या ये सिर्फ खाली एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। तो मेरा जवाब इसमें ये है कि, और मैं ये बात रखना चाहता हूँ, भारत की विदेश नीति में न सिर्फ स्टाइल का बदलाव आया है बल्कि एक क्वालिटेटिव चेंज हम देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे जो विदेश नीति के पैरामीटर्स थे जिनको हम लेकर अभी तक भारतीय विदेश नीति को समझने की कोशिश करते थे, वो पैरामीटर्स बदल रहे हैं, उन पैरामीटर्स को बदलने की कोशिश की जा रही है, और इसका आकलन आप तभी कर सकते हैं अगर इसको आप अलग अलग लेवल्स पर समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, why is it happening or why is it that someone can claim that Indian foreign policy is changing in different directions। एक पहला इसका आकलन, पहला जो लोग इसको स्टडी करते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य उसकी बात होती है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्डर में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है। तो पहला जो अगर आप भारतीय विदेश नीति में आज बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे तो काफी बार स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात होती है। तो वो कह रहा है कि 1990 में अगर अमेरिका सबसे बड़ा देश के रूप में उभरा, यूनिपोलर मूवमेंट जिसको कहा जाता है, कि उस समय सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो अमेरिका इकलौता ग्रेट पावर रहा, मेजर पावर रहा, और उसके बाद किस तरह से दुनिया में बदलाव आया उस फैक्टर के कारण। तो वो जो अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट 1990 में था वो 2019 आते आते कहीं पर खत्म हो रहा है, अमेरिका का रिलेटिव डिक्लाइन हो रहा है। ये नहीं कि अमेरिका मेजर पावर नहीं रहा है, अमेरिका ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन और देशों की क्षमताएं बढ़ रही हैं, अदर पावर्स आर राइजिंग, सो वी टॉक ऑफ इमर्जिंग पावर्स, उभरते हुए देश हैं, उसमें भारत का नाम भी लिया जाता है, और रशिया रूस की वापसी का जिक्र होता है, उसमें आप ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की बात करते हैं, जापान तो है, और सबसे बड़ा फैक्टर है चीन, क्योंकि जिस तरह से चीन का उदय हुआ है, जिस तरह से चीन ने अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिस्टम पर पड़ रहा है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि हाउ इज ग्लोबल ऑर्डर चेंजिंग, सो ग्लोबल ऑर्डर हैज फंडामेंटली ऑल्टर्ड इन अ लाइफ टाइम। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 1990s, जब मैं पढ़ रहा था 1990 के दशक में, तब हम अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट समझने की कोशिश करते थे कि अमेरिका जब इकलौता पावर है इंटरनेशनल सिस्टम में तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट सब देशों पर पड़ा, भारत पर भी पड़ा, और भारत ने अपनी विदेश नीति को ट्रांसफॉर्म किया 1990 में, जब शीत युद्ध खत्म हुआ, और शीत युद्ध के बाद भारत जो कि एक तरह से निरपेक्ष देश माना जाता था या रूस सोवियत यूनियन के ज़्यादा करीबी माना जाता था, उसके बाद भारत ने अपना पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ अपने रिश्ते गहरे करने की कोशिश करी। अब आप जब तक
2019 तक पहुंचते हैं, तो 2019 में ये परिपीडी जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया। आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको ये पता है कि अमेरिका का रेलेटिव डिक्लाइन हो रहा है, आपको ये पता है कि और देश उभर कर बाहर आ रहे हैं, लेकिन हमको अभी ये नहीं पता कि क्या इंटरनेशनल ऑर्डर मल्टीपोलर बन रहा है, काफ़ी सारे उसमें देश हैं जो पोल्स के रूप में उभर रहे हैं, या इंटरनेशनल ऑर्डर बाइपोलर की तरफ जा रहा है, बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहा है कि जिसमें चीन और अमेरिका दोनों मिलकर सोवियत यूनियन और अमेरिका की तरह एक बाइपोलर स्टेबिलिटी इंटरनेशनल ऑर्डर की। तो वो जो एक शिफ्ट है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ रहा है, सारे देशों पर पड़ रहा है, और भारत पर वाजिबी तौर पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत अब एक भारत में उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, भारत की जो जो इकोनॉमिक पावर है वो बढ़ी है, भारत की कैपेबिलिटीज और क्षमताएं बढ़ी है, तो भारत अपने आप को एक पोल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया भी ये समझने की कोशिश कर रही है कि भारत का इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ क्या रुख होगा। लेकिन ये हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, जब जबकि भारत को भी अपनी स्पेस बनानी है पावर ट्रांजिशन में, जो पावर शिफ्ट हो रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, अमेरिका और दूसरी शक्तियों के बीच में, उसमें भारत अपनी जगह कैसे बनाता है, ये इसका इम्पैक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी, सुरक्षा नीति, विदेश नीति पर पड़ रहा है। दूसरा जो ग्लोबल फैक्टर है वो ये है कि जब 1990 फिर से उस दशक में जबकि मैंने पढ़ा, और कहीं आपके यहाँ पे शिक्षक बन होंगे जिन्होंने उस समय अपनी शुरुआत करी, तो 1990 में और 1990 से लेकर आज तक एक रियलिटी जो बनी रही वो ये रही कि सब देशों का इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक वैश्वीकरण के ऊपर फोकस रहा। सभी देशों ने यह कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है, भारत के लिए तो अच्छा था क्योंकि भारत 1990 के बाद जो जिस तरह की आर्थिक गति को प्राप्त कर पाया वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण कर पाया, भारत ने अपनी इकोनॉमी को खोला और देशों ने भारत में इंटरेस्ट दिखाया और देशों की अर्थव्यवस्था के साथ भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ा और उससे भारत को फायदा हुआ, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी, भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। अब वो जो पैराडाइम है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वो जो फंडामेंटल अजम्पशन था कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और ये प्रश्न चिन्ह उन देशों के द्वारा लगाया जा रहा है जो देश आज तक इसके गारंटर थे। तो अब आप अमरीका में देखिए, अमरीका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, अमरीकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में भाषण देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि ये जो ग्लोबलिस्ट हैं ये दुनिया उनसे नहीं चलती, हमको अंदर देखना पड़ेगा, पहले अंदर की हमको अपनी क्षमता देखनी पड़ेगी। तो वो जो शिफ्ट आ रहा है कि किस तरह से आप आर्थिक वैश्वीकरण को समझ रहे हैं और किस तरह से उसमें बदलाव आ रहा है, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है जिसमें कि जो देश आज तक कहते थे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, उसमें अमरीका हो गया, ब्रिटेन और यूरोप के देश, वो आज इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और जिन देशों में भारत और चीन जैसे देशों में जहाँ पर कई बार इस पर बड़े विवाद हुए कि क्या ग्लोबलाइजेशन वाकई भारत के लिए अच्छा है, वो आज इसके गारंटर बने हुए हैं। मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी डावोस गए, वहाँ पर इकोनॉमिक उन्होंने समिट को एड्रेस किया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफेंड करेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए अच्छा है। उसी तरह चीन के राष्ट्रपति जब डावोस गए उन्होंने भी ये बात कही। तो ये जो बड़ा बदलाव ग्लोबल ऑर्डर में आ रहा है, इसका इम्पैक्ट भारत में पड़ रहा है कि अगर अमरीका अपने अंदर देख रहा है, अगर अमरीका ये कह रहा है अमरीका फर्स्ट, तो जो अमरीका आज तक बाहर इन्वेस्ट करता रहा, दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देता रहा, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा, भारत के लोगों के ऊपर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इसमें भारत अपनी भूमिका ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ये बातें काफ़ी बार
जब स्कॉलर्स जो जो इसको स्टडी करते हैं वो ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चरल फैक्टर्स पर करते हैं कि तो विदेश नीति क्यों बदली किस देश की, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स थे जो उसके चारों तरफ के राजनीतिक फैक्टर्स थे उससे उनका इम्पैक्ट इस पर पड़ा। मैं दो और फैक्टर्स रेखांकित करना चाहता हूँ कि एक तो ये आपको समझना ही पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ रहा है, लेकिन भारत की विदेश नीति दो कारणों से और बदल रही है। दूसरा कारण है, भारत में पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फंडामेंटल चेंज आया है। भारत में जो शिफ्ट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, अंदरूनी राजनीति में, सेंटर लेफ्ट से सेंटर राइट, उसका इम्पैक्ट भारत की विदेश नीति पर पड़ रहा है। दीक्षांत समारोह के अंतर्गत जो दीक्षांत सप्ताह के आयोजन हैं उसमें आज विज्ञान संकाय और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के सौजन्य से एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर हर्ष वी पंत, जिनको हम सभी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ के तौर पर जानते हैं, वे आज उपस्थित हुए और उन्होंने भारतीय विदेश नीति और सुरक्षा नीति में जो बदलाव आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से भारत में बदलाव आ रहा है इन दोनों मोर्चों पर, उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। जैसा मैंने बताया कि भारतीय विदेश नीति और भारतीय सुरक्षा नीति में जो बदलाव आ रहे हैं पिछले 5-10 वर्षों से, जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में अपने आप को प्रमुखता से एस्टैब्लिश किया है, उसके बारे में प्रोफेसर पंत ने आज व्याख्यान दिया।